है। तो ये है हमारी पावरफुल चेनसो। दोस्तों ये जो चेनसो है ये लकड़ी के तो पर खच्चे उड़ा देती है, बड़े बड़े पेड़ों को गिरा भी देती है, क्योंकि भाई साहब इसके अंदर जो है 58 cc का इंजन है। ये बिजली से भी नहीं चलती, ये इंजन से चलती है, बिजली जो है हर जगह अवेलेबल भी नहीं होती, तो पेट्रोल डाल करके फिर इसको चलाया जाता है। इसके अंदर पूरा इंजन है, कार्बोरेटर है, साइलेंसर्स भी हैं, सब कुछ है। तो आज हम इसको भिड़ाने वाले हैं कोका कोला की 10 बॉटल्स के साथ में। यहाँ पर हैं 2.25 लीटर्स की कोका कोला की 10 बॉटल्स, इन सभी के ऊपर एक साथ चेन सो चलाएंगे और फिर देखते हैं कि गाइस कैसा नज़ारा देखने को मिलता है और इसका जो पावर है वो हमको कैसा देखने को मिलता है। आप लोग वीडियो के लिए और अपने भाई के लिए लाइक का बटन जरूर से ठोक देना। फटाफट से शुरू करते हैं। चल गया, गर्म है, मुझे लगा एकदम से कुछ हुआ है और बाद में देखा जो हाथ है वो साइलेंसर पे टच हो गया, जबकि इसको स्टार्ट किए सिर्फ 2 मिनट हुए, लेकिन पेट्रोल है तो हीट मारता है। चलो लगाओ। दोस्तों चेनसो से काटने के लिए एक स्पेशल हमने यहाँ पर लोहे का सांचा बनाया है ताकि कोका कोला को हम एक साथ रख सकें, क्योंकि भाई ये बहुत ही डेंजरस हो सकता है, हम कोई रिस्क नहीं चाह रहे हैं। तो यहाँ पर मैं इस सांचे को रख देता हूँ और इसके अंदर जो हमारी कोका कोला की बॉटल्स हैं उनको रख देते हैं सारी की सारी। और इससे क्या रहेगा कि ये जो सारी बॉटल्स हैं ना ये एक साथ रहेंगी, इधर उधर नहीं भगेंगी, ठीक है। और अब इस सांचे को आगे करके बीच में करके टाइट कर देंगे दोनों साइड से। ठीक है, प्लीज ट्राई मत करना।
अबे यार भाई साहब, जैसे ही यहाँ पर ये चेन सो इन बॉटल से टच होती है, काटना तो दूर की बात है, बॉटल्स में इतना प्रेशर है कि वो भाग जाती हैं, पंक्चर होते ही प्रेशर दूर मारती है, रॉकेट बन के भाग जाती हैं। भाई यार चारों तरफ अबे कितना गंदा हो गया यार, ओ शिट, कहाँ से कहाँ तक भाई साहब गंदा हो चुका है यार। कैमरा साफ कर लो यार, इन पे पानी वानी गिर गया, इसको साफ कर लो थोड़ा सा। अरे यार भाई साहब, मैं जो है पूरा कोल्ड ड्रिंक के अंदर भीग चुका हूँ, और मेरे चश्मे पे कोल्ड ड्रिंक है, मेरे बालों में कोल्ड ड्रिंक है, मेरी आंखों में है। गाइस आंखों में जो कोल्ड ड्रिंक है वो कुछ जलन वगैरह नहीं करती यार, एकदम नॉर्मली लग रहा है मेरे को, ऐसा कुछ वो नहीं लग रहा। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो यार, इसको पूरा जो है अभी वॉश करना पड़ेगा। ओहो, तो भाई साहब मुझे उम्मीद है कि यार आपको मज़ा आया होगा। बोतल जो है वो चारों तरफ फैल चुकी हैं, देखो इस तरीके से पंक्चर हुई है ज़्यादातर बोतल। यहाँ से काटा इसने एक बार में, उसके बाद में ये इधर से नोजल बन गया, यानी कि इसमें से प्रेशर से निकली रॉकेट बन गया, और उसकी वजह से बोतल दूसरी तरफ भाग गई, और सारी बोतल के साथ में ऐसा ही हो, एक भी बोतल जो ऐसी नहीं रही जो कि यहीं रुकी हो। और एक की हालत मैं आपको दिखा, ये रही, ये देखो साफ खत्म, चेन सो टकरा करके इसका इसका सर ही उड़ा डाला है, ऐसे भी है। ये रहा इसका सर देखो। और अब जो है मैं थोड़ी सी कोकोला इसमें से पी भी लेता हूँ, छेद में से तो नहीं, खोल के पी लेते हैं क्योंकि एकदम परफेक्टली फाइन है। अभी तो पूरा करंट भी है यार इसमें। तो गाइस मुझे उम्मीद है कि आपको मज़ा आया होगा इस वीडियो में, अगर आया है तो वीडियो के लिए लाइक का बटन जरूर से ठोक देना। ऐसा कुछ भी भाई ट्राई मत करना, क्योंकि जो चेनसो है दैट इज़ वेरी पावरफुल, और वो हमको नुकसान पहुंचा सकती है। चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसी और मज़ेदार वीडियोस के लिए भाई, और इस वीडियो के ऊपर लाइक्स का टारगेट, गाइस इस वीडियो पर जितने हो सके उतने लाइक कर दो, ये टारगेट है, ठीक है कर दो। मतलब कोई भी बंदा बिना लाइक किए प्लीज़ मत जाना, क्योंकि यार आप सबने पूरी वीडियो देखी है, तो अब एक लाइक हमारे लिए भी कर दो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।